हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना पाक। जैसे कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी को मंदिर और घर में इसका भोग लगाया जाता है और ये बहुत इजी है बनाना। तो आप भी इसे जन्माष्टमी में ट्राई करें और अपने लड्डू गोपाल जी को इसका भोग लगाएँ। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, पूजा किचन्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप मखाना लिया है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये हैं बादाम, काजू, किशमिश, नारियल का बुरादा, ये आपको मार्केट में इजी अवेलेबल मिल जाएगा, ये है तरबूज के बीज और ये है नारियल के कटिंग्स जो मैंने घर पे ही खुद काटे हैं। एक कढ़ाई में हमने घी डाला है और इसे हम थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने बादाम और काजू दोनों को फ्राई कर लिया है घी में। गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा ये जल जाएगा। ये देखिए, इसे हम निकाल लेते हैं, फ्राई कर लिया है हमने। अब मैंने इसमें तरबूज के बीज को भी फ्राई कर लिया है। इसे आप थोड़ा आराम से करें क्योंकि जब ये गर्म होता है तो इसके जो चटकते हैं तो उसके छींटे मुंह पे आते हैं, तो इसे थोड़ा आराम से आप करें। ये बहुत जल्दी, ये देखिए, ये फ्राई हो जाता है फटाफट। इसे आप निकाल लीजिए। फ्लेम मैंने लो रखी है। यहाँ पर ये मैंने नारियल है, सूखा नारियल, उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने जो किशमिश रखे थे इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। नारियल का जो बुरादा है उसे हमें नहीं करना है फ्राई, उसे हमें डायरेक्ट डालना है, तो इसे हम अलग रख देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम और घी डाल लेते हैं। इसमें हम अपने मखानों को रोस्ट कर लेंगे। मखानों को रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे लो फ्लेम में करें जिससे जले ना। और क्या बोलते हैं, अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ आंच में करेंगे तो ये जल जाएंगे। इसको फ्लेम लो करके ही हमें हल्के हल्के हाथों से फ्राई करना है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक हमें देखना है कि जब तक ये हाथ से टूटे ना, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। फ्लेम मैंने लो रखी है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें।
ये देखिए अभी मैंने हाथ से चेक किया, अभी नहीं हुआ है ये। वैसे अभी इसे मैं और थोड़ी देर करती हूँ, फिर चेक करते हैं। ये देखिए इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप इन सबको अब ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में। अगर आप इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं, आपके पास अगर ईमान जस्ता है आप उसमें भी इसे कूट सकती हैं, बट मैं इसको मिक्सी में फ्राई वो करूँगी, ग्राइंड करूँगी हल्का। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है इसको, सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करना है, क्योंकि एक बारी में ही ग्राइंड हो जाता है इसको। अब बिल्कुल हमें चूरा नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है, ऐसे दरदरा सा। ये देखिए हल्का हल्का सा हमने कर दिया है, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे हम ड्राई फ्रूट्स को भी कर देंगे, हल्का दरदरा सा पीस लेंगे खरबूजे के, ये तरबूज के, सॉरी तरबूज के बीज भी हम इसमें कर लेंगे, सारी चीज़ों को इन्हें भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। इन सबको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और उसमें 1 कप पानी डाला है, और हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। आधी चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 4 इलायची या 2 इलायची, जो भी जितनी भी आपके पास है, उसको कूट के इसमें डाल दीजिए, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। चाशनी मेरी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब इसमें हमने जो सब कुछ पीस के रखा हुआ है उन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे और इन सबको हम फटाफट से चलाएंगे। और फ्लेम को लो रखा है मैंने। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये देखिए इसको हम फटाफट एक प्लेट में, मैंने घी डाल के इसको फैला लिया है पहले, घी को पूरी प्लेट में। इसे हम थाली में डाल देंगे। आप इसे आराम से करना क्योंकि ये गर्म होगा, हाथ भी जल सकता है। तो मेरे लिए तो थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आप इसे आराम से डालें। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से आप इसे थाली में फैला दें। ये देखिए मैंने फैला दिया है। इसे मैंने अभी इसमें कटिंग करके रख दिया है इसको सेट होने के लिए, क्योंकि बाद में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैंने पहले ही इसको कट करके रख दिया है और इसको हम बाद में पीसेस करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने 2 घंटे बाद चेक किया तो देखिए ये आराम से जम चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट जमा है।
ये देखिए, आप भी इसे घर में ट्राई करें और कान्हा जी को भोग लगाएं इसका। जन्माष्टमी में इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कान्हा जी का भोग कैसा लगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।